विशिंग यू ऑल अ वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। खेल और स्वास्थ्य पार्ट दो, हमारा स्वास्थ्य, जिसका अध्ययन कार्य हमने पिछले वीडियो में किया था, आज की वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन जैसा कि हम हर एक नए वीडियो में करते हैं, एक नजर डाल लेते हैं अपने आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यदि हम असफलता के भय से सफल होने के प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमारे हाथ सफलता कैसे लगेगी। जरूरी है कि सफलता की इच्छा का होना, हम सफल होंगे या असफल, इसे हम अपने भाग्य पर छोड़ दें तो बेहतर होगा। इसलिए कोशिश जरूर कीजिए। इसी प्रेरणादायक शुरुआत के साथ हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं? उत्तर लिखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वस्थ होने के लिए एक व्यक्ति का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक तौर पर और संवेगात्मक रूप से विकार रहित होना आवश्यक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाजार की खुली हुई वस्तुओं को खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर लिखिए, हमें बाजार की खुली हुई वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। ये वस्तुएं धूल जमने एवं मक्खियों के बैठने से दूषित हो जाती हैं, जिसे खाने से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे उल्टी आना, दस्त होना आदि। हमारा अगला प्रश्न है, गंदे स्थानों पर नंगे पैर क्यों नहीं घूमना चाहिए? उत्तर लिखिए, गंदे स्थानों पर नंगे पैर घूमने से सूक्ष्म रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, इसलिए हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। हमारा चौथा प्रश्न है, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर लिख सकते हैं, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए हमें समय समय पर बच्चों को पोलियो की खुराक निश्चित रूप से पिलवानी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कृमि संक्रमण रोकने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर है, कृमि नियंत्रण के लिए एल्बेंडाजोल की दवा दी जाती है। कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण को रोकने के लिए नाखून छोटे रखें, हमेशा साफ पानी पिएं, सब्जियों और फलों को साफ पानी से धोएं, खुले में शौच ना करें और पैरों में जूते व चप्पल अवश्य पहनें। प्यारे बच्चों, यह भी जानिए, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहने के लिए हमें अपने आसपास का वातावरण साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। वातावरण में गंदगी अनेक रोगों को जन्म देती है, जैसे टीबी, चेचक, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड आदि। इन लोगों के संवाहक धूल मिट्टी, जीव जंतु दूषित जल एवं भोजन आदि हैं। इनसे बचने के लिए अपने शरीर की नियमित सफाई करें, अपने आसपास का वातावरण साफ एवं स्वच्छ रखें। मच्छरों से बचने के लिए उचित साधनों जैसे मच्छरदानी, नीम की पत्तियों आदि का प्रयोग करें। जब भी बाहर खेलने जाएं, पूरी बांह के कपड़े पहनें, जिससे मच्छर एवं अन्य जहरीले कीट पतंगों के काटने से बच सकें। भोजन करने से पूर्व एवं पश्चात हाथों को अवश्य धोएं और शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा यह अभ्यास कार्य। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए अध्याय और उसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक आप अपना कार्य अवश्य कर लीजिएगा। आप इसे अपनी कॉपी पर लिखिए और याद भी करना जरूरी है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अपना ध्यान रखिए।
खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू।